कपिल शर्मा शो में फिर से लगेगा भोजपुरिया तड़का। जी हाँ, आपको बता दें हमारे दो भोजपुरिया बब्बर शेर रवि किशन और मनोज तिवारी, जी हाँ ये दोनों आपको नजर आएंगे कहाँ, द कपिल शर्मा शो में। पहले देखिए आप इस शो की कुछ हल्की झांकियां और फिर उसके बाद बात करेंगे द कपिल शर्मा शो में। जब जब भोजपुरिया तड़का लगा है, टीआरपी के मामले में वो शो सबसे आगे रहा है। हो जाओ तैयार, भोजपुरी धमाका लेकर आ रहे हैं सुपरस्टार्स। हम लोग जब अलग अलग आए थे तो आपकी बहुत तारीफ हुई। आज तो हाथ लगे हुआ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। मैं इस आदमी को कभी गंभीरता से नहीं लेता। देखिए शनिवार रविवार रात 9:30 बजे सोनी पर। आपको बता दे कि जब द कपिल शर्मा शो में पवन सिंह आए थे और निरहुआ आए थे, काजल राघवानी, आम्रपाली दुबे और निधि झा आई थी, तब भी उस दिन द कपिल शर्मा शो की टीआरपी बहुत हाई थी। बिग बॉस शो से भी ज़्यादा थी उस दिन इस शो की टीआरपी। अब बात हो रही है जब द कपिल शर्मा शो की फिर से, और फिर से लगा है भोजपुरिया तड़का। आपको बता दें जब से द कपिल शर्मा शो स्टार्ट हुआ है तब से इस शो की टीआरपी उतनी खास नहीं जा रही है, लोगों का इंटरेस्ट उतना नहीं जाग रहा है। इसलिए इस शो को और ख़ास बनाने के लिए भोजपुरिया के दो बब्बर शेर रवि किशन और मनोज तिवारी को बुलाया गया है। और आप समझ सकते हैं जब ये दोनों एक साथ होंगे तो कितनी बड़ी धमाके होंगी। एक वक्त इन दोनों के बीच ये रूमर बहुत तेज फैली थी कि ये दोनों एक्ट्रेस नगमा को एक साथ डेट कर रहे हैं और इसी से इन दोनों के बीच दुश्मनी हो गई थी। लेकिन बाद में इन दोनों ने आपसी सुलह करके अपनी ये रंजिश भुला ली और अब ये दोनों भोजपुरी के एक ऐसे स्तंभ हैं जहां से भोजपुरी इन्हीं से शुरू भी होती है, यानी कि दोबारा शुरुआत भोजपुरी की। और आज भोजपुरी जिस मुकाम पे है इसमें इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। और वैसे भी कहा जाता है कि इन दोनों के किस्से कुछ ज़्यादा ही मशहूर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। खैर इसके लिए हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन अभी तो आप कल का इंजॉय कीजिए जब ये दोनों भोजपुरिया शेर आपको द कपिल शर्मा शो में दिखेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।